स्वागत है इस कार्यक्रम दलान में। हम छी मुकेश। अखन हमरा सबके टेलीफोन लाइन पर जुड़ गेल छथि जनता समाजवादी पार्टी के नेत्री विभा ठाकुर जी। विभा जी स्वागत है कार्यक्रम दलान में। जी धन्यवाद। ये अपने सब जहिया से नागरिकता विधेयक जारी भेली है तै दिन से जे पास भेली है तै दिन से अपने सब आंदोलन करैत आबि रहल छिए, विरोध प्रदर्शन करैत आबि रहल छिए, आइ तक की केलिए प्रदर्शन में? जी जब ये ओकर नेकपा के सरकार अपन सचिवालय से निर्णय कल के 7 साल के बाद नागरिकता देवे तब ये से निश्चित रूप से हम सब मधेश के अधिकार के लागी, मधेशी महिला के लागी, युवा के लागी हमर सब के जीवन अय में लगले की तो निश्चित रूप से हमरा सब के अच्छा नहीं लगले। तक बाद वही दिन से हम सब आंदोलन के शुरुआत कर दिलिये, तो कभी जनक चौक पर, कभी भानु चौक पर, इवन आज दसम दिन है, आज दसम दिन है जे हम सब विरोध के जारी रखले छे अभी तक कोहन केहन टाइप से अपने से प्रदर्शन के लिए? जी नहीं, अभी तक हम सब उहे पुतला दहन के लिए, ओकरा बाद नाराबाजी के लिए, धरना कार्यक्रम के लिए, ऐसे ज्यादा अभी हम सब न के लिए। तो अपने सब के मात्र जनता समाजवादी पार्टी के हो छे कि ओय में जना कांग्रेस से हो प्रदर्शन करे छे तो अपने सब मिल के कर रहल छे? जी नहीं, अभी कांग्रेस के साथ मिल लिए नहीं, लेकिन मुद्दा एक है। हम अपने ही के मार्फत से हम कहे चाहे छी जे जब मुद्दा एक है तो हमरा सब के मिल के चलना में फायदा रहते क्योंकि ताकत रहते। लेकिन अभी हम सब पार्टी के निर्देशन नहीं आयल रहे, लेकिन हमू सब एगो महिला नेत्री छे ना, मधेश के लागी सब दिन से आवाज उठावे लगे छे ना, तो पार्टी के बात न मतलब पार्टी के निर्देशन नहीं आयल रहे, लेकिन जे चीज खराब लगले ओकर विरोध करने के हमर सबके मौलिक हक बने छे तो हम सब एकर शुरुआत कैले छी। और केहन टाइप से जाय के 10 दिन से ई कह रहल छी, लेकिन जे जते जे पहाड़ दिस के या नेकपा दिस के जे मधेशो में रहे वाला है ओहो सब ओय के समर्थन कर रहल छे, दू गोटे मात्रे विरोध के लिए मातृका यादव और प्रभु शाह जी, एक के अलावा कोनो सत्ताधारी पार्टी से कोई विरोध नहीं कर रहा है, हुनका सबके बहुमत है, पास भ गेले, अपने सब आप की करबे? देखो हम सब सरकार के दम कर देबे, ओकर नींद हराम कर देबे, कारण की पूरा ओकर जे नेकपा सरकार से ज्यादा जनसंख्या हमर सबके है। दोसर बात, हर घर में बेटी रोटी के संबंध है, मधेश के कमजोर करे के लागी जे नेकपा सरकार दू तिहाई के बहुमत के दम देखावे छे ओकरा हम सब नाकामी देबे, चूंकि टाइम लगते केला केतना बढ़ावे में हम सब के मधेश में गांव घर में, अभी वर्षा के समय है, कोरोना के भी टाइम है, रोपनी के भी समय है, या एने समय में जब जब अथी होइ छे तो ई ओली के एगो नया नया अथी आबै छे, लेकिन एकरा हम सब हरगिज नहीं छोड़बे आ ई हम सब ल के रहबे, आ जब तक ओकरा न सतियते तब तक हम सब आंदोलन करबे करबे चाहे लंबा जते जाए। तो सब जनता बुझिए जाते थे के बाद की होते? सब जनता बुझते, एगो बात हम अहाँ के कहे कि जे सब सुने थे जे 7 साल के बाद नागरिकता देते उ सब विरुद्ध में बोले बोल रहा है कि चूंकि की है अपना सबके जनता के हमरा सबके पहले जन कितना बढ़ावे के चाहिए कि वार्ड वार्ड में जाए के चाहिए, लेकिन अचानक मतलब हम सब सपनों में नहीं सोचले रहिए जे संविधान के मर्म के अनुसार तो नहीं है, कारण ई चीज तक कभी आई 58 साल से कभी ई चीज रहबे नहीं करले है, हम सब सपनों में नहीं सोचले रहली कि एहन औते के अचानक एहन आ गेले, ते दुआरे में टाइम तो जरूर लगते, लेकिन अहाँ के हम अहाँ के मार्फत से कहे चाहे छी एक दिन जन सैलाब रोड पर औते आ केपी ओली के झुके पड़ते, और केपी ओली ई जे लागू जे कल के तेकर कारण है जे हमरे सब के मधेशी नेता जे गद्दार छथिन जे कि यहाँ के वोट से ल के जीत के संसद में गेलथिन न, आ आई उ केपी ओली के समर्थन केलथिन न, जे कि बड़ा शर्म के बात है, भाई भीषण कूटे तक लंका का टूटे, क्योंकि हमर सब के जूली महासेठ, रघुवीर महासेठ, रामचंद्र झा सन के नेता मधेश के विरुद्ध में जे नागरिकता विधेयक में जे समर्थन केलथिन न, ओहि के कारण ओली मजबूत भेलै, जेना कि संविधान में
हमर सबके मधेसी नेता अगर दुए तीन गो मधेसी नेता रहथिन दिग्गज जेकि अभी हमारा साथ छथिन वो हस्ताक्षर नहीं कैले रहे छथिन तो ओकरा सबके दिन नहीं रहले जे संविधान के तीन गते के जे लागू भेले से कहते अभी अही के कारण हम कमजोर भ गेल छी और अपने के द्वारा हम आह्वान करे छी जे आदमी सुनैत होथिन ओहन गद्दार में मधेसी नेता के समाज से बहिष्कार करे पड़ले समय अतै तो जे पहले अपना सबके कहन एगो संस्कृति में कहावत रहले है कि जो हुक्का चिलम बंद करे के वो नौबत अब करे पड़ते। ऐसे पहले तो अपने सब 6 महीना तक हुक्का चिलम बंद कर लिए लेकिन वैसे तो कोनो फर्क नहीं पड़ले और मधेसो में नेकपा सबसे बड़का पार्टी है सरकार बनबे कर लिए दू तिहाई बहुमत के नजदीक नजदीक जाके तो वोहन में आप जब जारी कल की है तो यही कि अपने सबके केतबो पूरा जे जागरण अभियान कहियो के कुछ हासिल होय वाला नजर आब रहल है। एगो बात हम कहे छी जहिया गजेंद्र नारायण सिंह स्थापना मधेस के अधिकार के लागी बोललखिन तो 4-5-7 आदमी रहे आप जे समुद्र के लहर निकल गेले है उ समुद्र के लहर बुझाई यहाँ के रुकते नहीं जना यही से तो बड़का लहर रहे नी मधेस आंदोलन जे ऐसे अगिलका बाजी अपने सब के लिए 6 महीना तक नके बंद के लिए पूरा जाम में रहले लोग बंदे करके रहले ते के बावजूद जे अपने सब संशोधन करे के कहलिए से संशोधन निकल के अभियो तक अपने सब उनका सब के जे संशोधन करे के रहले या कोनो रहे छे ते में अपने सब सहकारी करे छे अपने सब वाला में नहीं करे या ता भी कह देते से कते देखल जा हम सब आशावादी छी ओहु टाइम में जैसा 6 महीना बंद कैलिए हमर मधेसीय नेता गद्दार भ के ओहि जन हमरा सब के धोखा देलखिन अभियो उहे मधेसी नेता गद्दारी के कारण ही भ रहल है लेकिन ई बात हम अहाँ के कहै छी अगर केपी ओली नै झुकलै तो अहाँ एक दो समय आ रहल है शायद मधेस कहीं अलग राष्ट्र न हो जाए हम अपने के ये आशा देवाबै छी। तो जना जे अब वैसे तो कोनो फर्क पड़ नहीं रहा है पूरा वोट के राजनीति भ रहा है ये में जते ये टाइप के एक्टिविटी करते तते केपी ओली जी मजबूत होते भयो रहा है उनकर प्रधानमंत्री सीट आरो मजबूत भ रहा है। अरे केपी ओली के मजबूती की करबे काल्हे उ की लिखल कि ना जे हमरा भारत हटा रहल है अरे एहन निकम्मा प्रधानमंत्री एहन असफल प्रधानमंत्री नेपाल दुर्भाग्य से पहले है एहन निकम्मा सरकार के तो तुरंत राजनामा देवे के चाहिए उ दू तिहाई के बहुमत रावण जेखा कर रहले अहाँ देखलिए रावण के घमंड तो खत्म भ गेले रावण के लंका तक जर गेले आ ई कोन मूली के खेत के मूली है के ई बहुत अपराधी है कोरोना से लेके भ्रष्टाचारी से लेके हर चीज कर रहले अहाँ एक न एक दिन देखबे जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है एकरा विवेक मर गेल है एकर हार सुनिश्चित है अभी उदिया दियो दूध के उफान बहुत तेजी से आवे छे लेकिन उ गिरबो करे छे एकरा अभी उपले दियो लेकिन ई हार छे उ हारते उ तो ठीक है लेकिन अपने सब जत्ते विरोध करे छी तत्ते उ मजबूत होय छथे मजबूत होय जिनकी शिकायत होय छे अंतरराष्ट्रीय जगत में के छवि बिगड़ रहल है के आज तक एहन सुनले रहलिए मान लो भारत के बेटी रोटी के संबंध है नून पानी के संबंध है कपड़ा लत्ता के संबंध है दवा दारू के संबंध है एगो बीमारो पड़े छी तो तुरंत दरभंगा जाए छी एगो नूनो तेल तो भिट्ठा मोड़ जाए छी तई संबंध के रोक सके छी ओई संबंध पर वो अपने कहती तब ना स्वाभिमानी रहती तब अपना देश में उत्पादन करते वो चीन के इशारा पर ही चीज कर रहा है के मान लू अगर अहाँ राष्ट्रवादी थी तो हम सब तो मान लू अंगीकृतो भ के हम सब कति एहन विश्व राष्ट्रघाती काम के लिए एको गो राष्ट्रघाती वाला काम करे न हाँ ई कहते अगर हम सब राष्ट्रघाती काम करे छी तो हमरा सब के हटा सकत रहले हमरा सब के देश रो के मुद्दा लगा सकत रहले लेकिन आज तक कोनो अंगीकृत नागरिक एहन नहीं कलके ये सब ई चीज ल लिये के मतलब नहीं अहाँ के बुझाइए जे ई मधेस विरोधी काम कर रहा है वही में तो उनका फायदा हो जे मधेस विरोधी काम केला पर हुनकर वोट शेयर बढ़े जे अब मधेस में पहले तो हम सब निषेध कर ले रही यार जनता निषेध करते जब मधेसी जनता पर पड़ गए मधेस के संस्कृति पर प्रहार कल के या भाषा पर प्रहार कल के या तो अब नहीं बुझाई है जे मधेसी जनता अब पूरा मधेसी में ओकरा निषेध कर देते
अभियो तक तो वो जे पहलका नेता सब रहले जे मधेस आंदोलन के सपोर्ट कर चले अखन तक कोई विधेयक के पक्ष में छे जे वही पार्टी के नेता जी सब ऐसे केना विश्वास कर सके छी कि अपने के ओते बड़का सपोर्ट होते जते बड़का मधेस आंदोलन में सपोर्ट रहे तैसे तो देख रहा छी कि उनकर नेता सब के यही में कोनो गड़बड़िए नहीं बुझा रहा है। अपने के निश्चित रूप से कहे कि आई कांग्रेस नागरिकता विधेयक पर आ लिए कि नहीं आ लिए। एगो समय आ रहा है जे नेकपा के बहुत नेता बहुत जल्दी एकरा विरोध अभी तो दुगो कल की ना अगर नहीं करथिन तो हम कह ले ना सबके परिवार में इंडिया से बियाह भेल है के मतलब है जो अपन माय के चाची के बहन के विरोधी थे उनका एकर विरुद्ध में बोली पड़ते अभी नहीं बोले छथिन लेकिन बोली पड़ते। लेकिन हर एक के परिवार में तो ना है देखल के कि कहते 60-65 साल में 3-3.5 लाख मात्र शादी भेल है जी नहीं सब हर आदमी के परिवार में अपने जहाँ पर रहे छे उनमें एहन कोनो परिवार नहीं होते है खास के अपनाओ सब के घर में जेकरा की भारत से बेटी नहीं आयल हो आ जेकर बेटी नेपाल नहीं गेल हो। तो आप यही से माने जे पूरा समाज में फिर पहल का आंदोलन के रूप लेते ओई से ज्यादा देखे की जो ओकरा कत्ते चीन साथ दे रहल है नहीं तो पहल के स्थिति भेले उनका वैसे तो फर्क पड़े नहीं चाहिए अपना बाँचे के है लेकिन अरे फर्क तो पड़बे करते ना मान लो जे संविधान में उ सब कलखिन तो फर्क तो पड़ले है ना अंतर्राष्ट्रीय जगत में तो उनका छवि तो बिगड़ल है ना कि अभी के जे नागरिकता विधेयक भी जे उ लेलखिन ना तेकरा कोई बढ़िया थोड़ी ना कह रहल है कि नहीं पहाड़ में तो सब फिर बढ़िया कह रहा है। अरे आप चुनाव के टाइम अपने से विरोध कर छी के न्यूज बनबे छी तो हम सब तो वे के कमेंटो देख रहा छी तो जते पहाड़ी समुदाय है वो सब वे के सपोर्ट कर रहा है। अरे कमेंट तो वो सब तो हमरा सब के कौन कौन भीमराव उपाध्याय हथिन जिनका देख ले होबे डॉक्टर पोखरेल के देख ले होबे बहुतो आदमी के देख ले होबे जो गाली दे छी के लेकिन कोनो मधेसी नेता नहीं ना मधेसी जनता नहीं ना एक विरुद्ध में एको गो मधेसी एगो दुगो नेता अब जे छथिन मधेस के नेता जे हिमालय में हथिन तो उनका मंत्री बने के होते टिकट लेबे के होते लेकिन हम अपने के कही हम सब अधिकारवादी छी आई अधिकारवादी के लागी जे खून मतलब हमरा हर खून के कतरा कतरा मधेस के लागी काम आते तो हम सब देवे के लागी तैयार छे ओली सरकार के झुका के रहबे अपने के हम प्रतिबद्धता दे छी। और काल केहन अपने सब प्रोग्राम कर रहल छी देखल जाओ काल हमरा सब के मास जन मानस उतारे के है लेकिन बारिश और कोरोना दुनू के देखत में ई पार्टी के निर्देशन है सतहत्रो जिला में के तो सतहत्रो जिला वाला पार्टी के कार्यक्रम है वो 1 बजे में जनक चौक पर जनसभा होते में बाहर के केंद्र के नेता सब नहीं आ रहा छथिन अ दुआरे से 17 गोटे हाउस है के लेकिन यहाँ के नेता सब रहथिन यहाँ के बुद्धिजीवी सब रहथिन ओकरा बाद वहाँ से वह जे आदमी जुटथिन मतलब नागरिकता विधेयक केहन लाल है इसके बारे में वहाँ पर बोल माने आप अपने सबके केंद्रीय नेताजी सबसे हो सहभागी होता है में बिल्कुल 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 ये अब पार्टी के एजेंडा भ गेले पार्टी के एजेंडा है अपने सबके पार्टी में पहाड़ में कोनो विरोध होत नहीं दिखाई दे रहा है जी नहीं अब वो शुरुआत हो जाती कल से ई तो देखियो ई आंदोलन जनता मुखी आंदोलन शुरू भ गेल है के नहीं जना कांग्रेस के मधेस में मात्रे भ रहल है पहाड़ में नहीं भ रहल है आई मामला में कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं रहते पहाड़ों में होते हम एहि पर कहै छी जे एहिमे कांग्रेस पीछे कहीं नहीं रहथिन नागरिकता विधेयक में कांग्रेस भी अग्रिमे भूमिका में रहथिन हमर आशा है। अंत में अपने रेडियो मार्फत से की कह चाहबे अंत में हम अपने के रेडियो के मार्फत से ये कहे छी जे आदमी जे हमर सके जनता जे मधेसी महिला जत्ते भी अंगीकृत नागरिक छी
ई हमर जे आवाज सुनै छी काल के आह्वान के सफल पारू और अपना अपना घर से ई नागरिकता विधेयक के विरोध करू, तभी हम सब जी सकै छी। नहीं तो मधे ओली सरकार हमरा सब के मधेश के रीति रिवाज के कमजोर करे जा रहा है। काल के दिन में मधेसी के पूरा अधिकार छीन लेते। ऐ दुआरे अपने द्वारा एफएम के द्वारा अपने आह्वान करे छी जे सब आदमी में साथ दू, ये कहे हम अपने के साथ ये कहे छी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत...